दोस्तों नमस्ते, चैनल में आप सबका स्वागत है। फ्री कुंडली चार्ट रीडिंग में फिर से 30 सितंबर में जिन जिनकी रीडिंग होनी है उनकी प्रोसेस में अभी तीसरी कुंडली है जो मैं रीड करने वाला हूँ। जिन जिनकी कुंडली रीड हो जाएगी उन लोगों की कुंडली उनके व्हाट्सएप पर लिंक भेज दिया जाएगा। अगर आपकी कुंडली रीड नहीं होती है तो 30 अक्टूबर जब तक लास्ट कुंडली रीड होगी उस तक टाइम तक का वेट करिए। उसके बाद आपको रिपीट लिख के अपना चैनल का फ्रेश स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेजना पड़ेगा। और उसके बाद अगर आपका 15 अक्टूबर में फिर से मैं आपकी कुंडली रीड करने की कोशिश करूँगा। अगर आपकी आप लोग पहली बार अगर यहाँ पे रीडिंग करवाने आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं और आपको भी अपनी फ्री कुंडली चार्ट रीडिंग करवाना चाहते हैं, तो मैं यह बोलूँगा कि सिलेक्टेड कुंडली की रीडिंग होती है 15 अक्टूबर तक। जिन जिन की आप लोग अगर अपनी कुंडली रीड करवाना चाहते हैं तो आप भेज दीजिए 15 अक्टूबर तक। अगर आपकी कुंडली सिलेक्ट हो जाती है तो आपको भी आपकी दो सवालों के जवाब दिए जाएंगे, क्योंकि फ्री कुंडली चार्ट रीडिंग में दो सवालों के जवाब दिए जाते हैं। अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस, नाम, जेंडर वगैरह भेज दीजिएगा। डिटेल मैं दे दूंगा आपको अगर आप मुझे व्हाट्सएप पर हाई लिखेंगे तो। साइमल्टेनियसली डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है उस पर व्हाट्सएप करिएगा। सिर्फ व्हाट्सएप पे ही ये एंटरटेन करता हूँ मैं। दूसरा पॉइंट ये है कि आप लोगों को जो जो फ्री कुंडली चार्ट रीडिंग है उनका सिलेक्शन प्रोसेस होता है, सिलेक्शन के बाद जो सिलेक्ट होती है उन्हीं की रीडिंग प्रोवाइड की जाती है। तो डिस्क्रिप्शन में देख अपने दो सवाल और स्क्रीनशॉट वगैरह व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा। तो ये रही बात फ्री कुंडली चार्ट रीडिंग की नेक्स्ट राउंड का। 15 दिन में हर राउंड एक एक राउंड करता हूँ मैं, हर बार हर महीने में। तो अभी 15 अक्टूबर का टाइम चला, उसमें जिनका कराना चाहते हैं वो करा सकते हैं। बहरहाल इसके आगे बढ़ते हैं और ये कुंडली चेक कर लेते हैं। जी कुंडली किसकी है? ये कुंडली शिरजा जी की है। शिरजा जी 28 साल के हैं, 28+ हैं शिरजा जी, 28+ उनकी एज है। उनकी अभी महादशा चल रही है राहु की। राहु की अगर हम देखें तो महादशा राहु की चल रही है और अंतरदशा चल रही है शुक्र की। शुक्र की अंतरदशा 2025 तक चलेगी, राहु की महादशा क्या बोलते हैं 28 तक चलेगी। अगर हम कुंडली को रीड आउट करें तो कुंडली में यहाँ पे देखा जाए तो शनि तीसरे घर में बैठे हुए हैं, पावरफुल बैठे हुए हैं, क्योंकि शनि अपने ही घर पे बैठे हुए हैं 11वें घर पे। तो तीसरे घर का शनि पावरफुल है, यहाँ पे बैठा हुआ है और अच्छा पावरफुल पावर देता है। कम्पिटिटिव एग्जाम में शनि यहाँ पे अच्छा फल देगा आपको। तो कम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह अगर आप प्रिपेयर करें तो अच्छा प्रिपरेशन करिए, आपको अच्छा फल मिलेगा, स्लो ग्रोथ मिलेगा, उसके बारे में बात करता हूँ मैं। दूसरा पॉइंट देखिए, बैंकिंग सेक्टर से अपना सवाल था कि बैंकिंग सेक्टर में एग्जाम देने से क्या फ़ायदा मिलेगा, क्लैरिटी होगी। तो अभी देखा जाए तो मरकरी आपके ऊंच का बैठा हुआ है, एग्जल्टेड मरकरी है, और नवांश का भी मरकरी यहाँ पे बैठा है। तो ये टॉप क्लास मरकरी है, बहुत अच्छा मरकरी है। इसमें आपको बहुत ही अच्छा पोस्ट और ग्रोथ मिलने के चांसेस बनते हैं। इंटेलिजेंसिया कैलकुलेशन और इंटेलेक्चुअल रिलेटेड चीज़ें या मैथमेटिक रिलेटेड चीज़ें या कम्युनिकेशन रिलेटेड चीज़ों में मरकरी आपको यहाँ पर बहुत अच्छा ग्रोथ देगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये मरकरी आपको काफ़ी स्ट्रांग कम्युनिकेशन और काफ़ी स्ट्रांग एनालिटिकल पावर और मैथमेटिक्स में अच्छा पावर देगा मरकरी आपको। तो इस फील्ड में अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो जरूर कोशिश कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो अभी आपकी राहु की महादशा और शुक्र की अंतरदशा चल रही है, और शुक्र अगर देखा जाए तो छठे घर का ओनर है। छठे घर से भी हम कम्पिटेटिव एग्जाम्स को देखते हैं, मतलब फाइट्स एंड डिस्प्यूट्स को रिजोल्व करने का जो घर है उसको देखते हैं। तो अगर शुक्र इस घर का मालिक हो के आयश के घर में बैठा और खुद आयश है, मतलब इनकम का लॉट खुद होकर इनकम के घर में बैठा और राहु भी इनकम के घर में बैठा, तो ये अच्छा पॉजिटिव है, इनकम की कमी नहीं दिखाता है यहाँ पे इस वक्त पे। तो अच्छी इनकम हो गया, चार प्लैनेट बैठे हैं इनकम के घर पे, तो अच्छा प्लैनेट एजुकेशन में भी आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। दूसरी चीजों में जरूर दिक्कत है, वो चीजें मैं आपने पूछा नहीं है तो मैं नहीं बोलूंगा। आपने जो दो सवाल पूछे हैं मैं उन दो सवालों के जवाब दूंगा फ्री कुंडली चार्ट रीडिंग पे। तो बहरहाल बात रही कि अगर आप बैंकिंग सेक्टर में जॉब करना चाहती हैं तो आपके लिए जरूर कंपिटेटिव एग्जाम करना चाहती हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन समय उस वक्त का अभी उस वैसा नहीं है। राहु और शुक्र की समय चल रहा है तो इस वक्त हो सकता है जी कि आपको प्रॉपर गाइडेंस या प्रॉपर बेनिफिट नहीं मिल रहा हो। तो देखा जाए तो यहाँ पे जब राहु के अंदर शुक्र के अंतरदशा पतंतर दशा शनि की चलेगी, तो यहाँ पे देखें तो 24 मार्च 2024 से सितंबर 2024 तक शनि की और फिर शुक्र की मरकरी की चलेगी पत्यंतर 25 तक। तो ये तो जो समय है, ये समय जो आपको मैंने बताया जो 3 मार्च से शुरू हो रहा है, 24 मार्च के महीने से शुरू हो रहा है 2024 से, और 25 के फरवरी के महीने तक जो रहेगा 16 तारीख तक, इस समय में अगर आप कोशिश करेंगी तो आपको अच्छा बेनिफिट ज़रूर मिल सकता है। इसमें आपको ग्रोथ ज़रूर मिलेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप प्रिपेयर करें, अभी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम
एग्ज़ाम्स में प्रिपेयर करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन ये अच्छा समय है आपका, मैंने ये आपको पॉइंट आउट करने के लिए बोला है। अब बात ये कर लेते हैं कि शनि यहाँ पे 11वें घर तीसरे घर में बैठा है, और 11वें घर 11 नंबर लिखा है तीसरे घर में, और शनि खुद की राशि में बैठा हुआ है, राहु भी इस राशि का मालिक है 11वें घर का, तो ये अच्छा बेनिफिट देगा कंपिटेटिव एग्जाम्स में। और अगर आप देखें तो नवम पंचम का योग बना रहा है राहु अपने घर से, अगर देखें तो, अगर मान लें क्योंकि 11वें घर को हम राहु से भी डिनोट करते हैं, तो 1 2 3 4 5, और अगर आप यहाँ से देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो नवम पंचम का योग काफ़ी अच्छा बना रहा है, आप मेहनत करेंगे तो जरूर बेनिफिट मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, शनि हमेशा डिले देता है, तो यहाँ पे शनि डिले कराएगा आपको थोड़ा सा। तो 28 की उम्र हो चुकी है आपकी, और आप अगर देखा जाए तो 28 की उम्र ठीक है, थोड़ा और टाइम हो सकता है डिले हो, लेकिन हो जाएगा, कोई दिक्कत मत करिएगा। एक 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 छोटा सा ऑप्शन मैं आपको देना चाहूँगा कि अगर हो सके तो आप ऐसी कंपनियों में एग्ज़ाम देने की कोशिश करिए, बैंकिंग सेक्टर में भी या फाइनेंशियल सेक्टर में भी, जो थोड़ा स्लो ग्रोथ करते हैं। स्लो ग्रोथ मतलब जैसे RBI को पकड़ लीजिए, RBI एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इंस्टेंट ग्रोथ नहीं दिखाती है, वो स्लो ग्रोथ पर चलती है, और देश की ग्रोथ के हिसाब से या फाइनेंशियल सेक्टर की ग्रोथ के हिसाब से चलती है। तो अगर आप बैंकिंग सेक्टर में जा रही हैं तो RBI का एग्ज़ाम क्रैक करने की कोशिश करिए, मरकरी यहाँ पे बहुत सपोर्टिव है। तो RBI के अगर कोई बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड या कोई ऐसा कंपनी जैसे SBI हो गया, हालांकि SBI भी एक मार्केटिंग वगैरह से रिलेटेड है, लेकिन वो भी एक स्लो प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन है बैंकिंग सेक्टर, तो अगर आप देखें तो यहाँ पे अच्छा बेनिफिट देगा RBI जैसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करें तो, या आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करें जो फाइनेंशियल सेक्टर में हो और जो फिक्स एसेट रिलेटेड काम करता हो, जैसे लैंड वगैरह रिलेटेड या मेटल रिलेटेड मैटर में अगर कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हो जो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी मिले जहां पे लैंड या मेटल से रिलेटेड बिजनेस हो रहा हो, और वहाँ पे वो अपॉर्चुनिटी बैंकिंग और कैलकुलेशन में निकाल रहे हो, या ऑयल रिलेटेड कंपनीज में जैसे ONGC या गेल में अगर आप चाहें तो वहाँ पे भी आप कोशिश कर सकते हैं। वहाँ पे फाइनेंशियल सेक्टर में MBA वगैरह अगर आपने कर रखा है या कुछ कर रखा है, बैंक BCOM वगैरह कर रखी है, तो उसके बेसिस में अगर आपको कहीं पे फाइनेंशियल नौकरी चाहिए तो उस सेक्टर में भी आपको अच्छा बेनिफिट मिलने के, डेप्ट से रिलेटेड चीज़ों में अच्छा बेनिफिट मिलने के चांसेस हैं। सिर्फ बैंकिंग सेक्टर में सिर्फ एक ही सेक्टर पर मत ध्यान दीजिए, यहाँ पे स्लो प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा ध्यान दीजिएगा। मरकरी यहाँ पे वहाँ पे आपको ग्रोथ बहुत तगड़ी तरीके से दिलाने के चांसेस बनाता है। बहरहाल ये मेरे एडवाइस है, बाकी अगर आपको कहीं पे भी अच्छा लगे वो आप करें, और कोई और कुछ कहता हो तो अगर वो सुटेबल लगे तो वो करें, लेकिन मेरे एडवाइस में ये अच्छा रहेगा। एक और साइमल्टेनियसली बोलूंगा कि यहाँ पे मरकरी बहुत सॉलिड बैठा हुआ है, अच्छा बैठा हुआ है, तो आपको एडवाइजरी ये है जी कि हो सके तो पन्ना पहन के देखिए। अगर पन्ना पहनेंगे अपने वेट के हिसाब से 60 kg के 4.5 से 5 रहती है, और 80 kg है तो 7.5 रहती के आसपास, या 6.5 से 7.5 के आसपास का एक पन्ना पहन के देखिएगा। मून के साथ बैठा हुआ है तो चांदी में पहन सकते हैं आप, अच्छा रहेगा। अगर मून अगर नहीं तो वैसे तो पंचधातु में पहनिएगा तो अच्छा रहेगा, तो सूर्य में गोल्ड में भी पहन सकते हैं, वैसे सूर्य यहाँ पे उतना खराब नहीं है, अच्छे बैठे हुए हैं, नहीं सूर्य यहाँ पे डेबिलिटेटेड बैठे, नहीं पहन सकते आप गोल्ड में, चांदी में पहनिएगा जितना मुझे दिख रहा है। हाँ जी, सूर्य यहाँ पे डेबिलिटेटेड ही बैठे हैं मेरे को जितना लग रहा है। हाँ जी, तो ये चीज़ देख लीजिएगा, चांदी में ज़रूर पहनिएगा, चांदी में आप पहन सकते हैं, चांदी में दिक्कत नहीं होगी, या तो सबसे बेहतर है पंचधातु में पहने। चलिए, ये रही जॉब की बात। अगर आप जॉब प्रोफाइल या बैंकिंग सेक्टर से, आओ करता हूँ आपको अच्छे से जवाब मिल गया हो। अब बात करते हैं हेल्थ में सीधी साधी बात यहाँ पर श्रीजा सबसे सीधी साधी बात यहाँ पे कि मार्स यहाँ पे डेबिलिटेटेड बैठा है और 8वें घर पे बैठा है, हेल्थ इश्यूज रहेंगे यहाँ पे, आपको मार्स के उपाय करने पड़ेंगे। हो सके तो ब्लड डोनेट करने की कोशिश करो, अगर नहीं कर पा रही हो तो हनुमान चालीसा का दिन में कम से कम डेली बेसिस पे 8 से 10 बार हनुमान चालीसा का पाठ करो, और सूर्य नमस्कार करो साइमल्टेनियसली। सरसों का तेल जब जब हो सके तब तक सरसों का तेल डोनेट करो, क्योंकि वो भी अगर देखा जाए तो थोड़ा रेडिश या कोई लाल चीज़ डोनेट करो तो आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। साइमल्टेनियसली राहु की महादशा चल रही है तो फूड में अगर आप कुत्तों को फीड कर सकती हो तो वो अच्छा रहेगा। मंदिर के बाहर कोई भी हो उसको अगर आप कुछ भी डोनेट करो, सरसों का तेल या कुछ भी डोनेट करो, हनुमान चालीसा और श्री सूर्य नमस्कार और भोलेनाथ की अगर पूजा करो तो आपको हेल्थ से थोड़ा बेनिफिट मिलेंगे। और यहाँ पे देखा जाए तो उस मंगल की दृष्टि 8वीं यहाँ पे पड़े, हालांकि मंगल की महादशा आने नहीं वाली है, लंबी नहीं आएगी, क्योंकि राहु चलेगा, फिर गुरु चलेगा, फिर शनि चलेगा, फिर शुक्र मरकरी चलेगा। हाँ, मरकरी जब चलेगा तो गजब होगा, लेकिन वो बहुत लेट प्रोसेस पे आएगा, एज बहुत लेट होगा वो, तो ये आपकी एज हो जाएगी उस टाइम पे, आप करीबन 60 ईयर्स के आसपास रहेंगी तब मरकरी की दशा आएगी, लेकिन वो जबरदस्त रहेगी आपकी ओल्ड एज में, आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ जी कि आप अपने हेल्थ को
लेके ख्याल रखें और अपना मंगल का उपाय करें, जो जो मैंने बोला, शिव की आराधना करिए, हनुमान चालीसा जितना हो सके उतना पाठ करिए, दिन में कम से 8 से 10 बार पाठ करिए। और अगर ब्लड डोनेट कर सकते हैं या कोई भी चीज़ डोनेट करें जो लाल कलर का हो, सरसों का तेल डोनेट इसलिए करने जा रहा हूँ, शनि भी हो जाएगा और लाल होता है सरसों का तेल थोड़ा सा, तो वो भी अच्छा रहेगा, येलोइश प्रोडक्ट होता है तो वो भी अच्छा रहेगा। होप करता हूँ आपको, और डॉग फिट करिएगा, होप करता हूँ आपको समझ में आया हो कि क्या प्रॉब्लम है और क्या ठीक है, और आपको वीडियो पसंद आई हो। श्रीजा, थैंक यू।